आप सभी छात्रों का राधा कृष्ण कंप्यूटर नवादा में स्वागत है। और आज हम लोग SSC CHSL 2019 टीयर 3 पर डिस्कस करेंगे कि हम लोग को इसे कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का जो ये सिचुएशन है कि हम लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब स्किल टेस्ट होगा, कब हम लोग टाइपिंग देंगे। तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो 30 सितंबर को टीयर 2 का रिजल्ट देगा और आपको जो है ना स्किल टेस्ट कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 स्किल टेस्ट 3/11 को उन्होंने निर्धारित किया है कि 3/11 को वो स्किल टेस्ट लेंगे पूरे ऑल इंडिया में। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया कि द एवर शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, कि कोविड का सिचुएशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देंगे उसके साथ वो टेस्ट होगा, जैसे कि पिछले बार भी हुआ था ऑल इंडिया 1 डे ऑन स्क्रीन लाइव टेस्ट सारी जगह हुए थे और सभी लोग अच्छे से दिए भी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सभी का। और इस बार भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने स्किल टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से निकालें। और इसी पे अभी चर्चा करते हुए आज जो हम लोगों ने टेस्ट दिया है 8 तारीख का, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे एक कैसा कैलकुलेशन हम लोग को अपना बनाना है कि हम लोग CHSL का स्किल टेस्ट आराम से निकाल सकें। कुछ लोग इसमें रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंटल टेस्ट भी दे रहे हैं, उनका भी इसमें रिजल्ट है और मैं सब पे थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगा। और इसी साथ मैं डिस्कस स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं कि आज का जो टेस्ट हुआ था वो CHSL 2019 टीयर 3 CGL का भी हमने इसमें स्टॉक दिया था, NTPC का भी लाइव टेस्ट इसमें चलता है। तो सबसे पहले कि आज के टेस्ट में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है वो दो लड़के हैं, एक है राजीव कुमार ये नवादा बिहार से हैं और दूसरा आपका है दीपक चौधरी करौली राजस्थान से। ये दोनों ने आज सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया टेस्ट के दौरान, इन्होंने 0 एरर 100% एक्यूरेसी कवर किया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं 1 टू लास्ट तक, ए से जेड तक हमारा चार्ट बना हुआ है। इसमें जो लड़के टेस्ट दे रहे हैं मैं उसके हिसाब से उनका कैलकुलेशन को अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि उनका कैसा परफॉर्मेंस है और उन्हें और कैसा तैयारी करना चाहिए। एक है स्टूडेंट एडवेत एमए, ये फ्रॉम केरल से हैं, ये केरल से आज ही हमारे टेस्ट में ज्वाइन किए हैं और इन्होंने स्टॉक भी कवर किया है। इन्होंने फर्स्ट टेस्ट में 1900 स्टॉक का किया जिसमें कि इनका 24 गलती था और ये पास है मेरे हिसाब से और SSC के भी हिसाब से। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा एडवेत कि आप जो है ना ईरर, ये जो आपको 24 ईरर है ये कुछ ज्यादा हो रहा है, आपको इसे कंट्रोल करके कम करना है। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग का टेस्ट होगा तो थोड़ा सा पंगा हुआ होगा आपके साथ, पर आपको प्रयास करना है और आपको 0 टू 5 ईरर के बीच में लाना है। ये मेरा सजेशन है कि आप 0 से 5 ईरर के बीच में लाए। आपका स्पीड बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा मार भी रहे हैं, 24 ईरर है, 11 ईरर है, 6 ईरर है, 7 ईरर है और एक 11 ईरर है, इसलिए आपका सब चीज सही है। आप थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करें आपका और बेटर होगा। ठीक है, अब आइए अमन कुमार फ्रॉम नवादा, इन्होंने 2000 स्टॉक टच किया है और इन्होंने 7 ईरर दिया, फिर एक टेस्ट में इन्होंने 6 ईरर का किया है, एक में इन्होंने 11 ईरर किया है और इनका 3 टेस्ट आज इन्होंने दिया था, तीनों में इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। और प्रयास की जो करो अमन की आपका जो ईरर है वो 0 टू 5 के बीच में आए। ठीक है, आपके पास स्पीड बहुत अच्छा है तो आप जब 2000 के स्टॉक में कवर कर रहे हैं तो आपका 7 ईरर है, तो 1749 वाला जो स्टॉक का जो आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे 6 ईरर जो है इसे आप कंट्रोल करें, इसे 0 टू 5 लाएं। 0 टू 5 लाइएगा तो आपका टाइपिंग करने का परफॉर्मेंस और अच्छा जाएगा। ठीक है, अब आइए अंकेश कुमार, ये समस्तीपुर बिहार से हैं। अंकेश, आपने 1992 स्टॉक मारा है, 12 ईरर है, आप मेरे हिसाब से भी पास हैं और SSC के हिसाब से भी पास हैं। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि 0 टू 5 ईयर होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा सा और मेहनत करें और 0 टू 5 ईयर के बीच में रहें। ठीक है अंकेश, फिर है अंकेश समस्तीपुर, एक टेस्ट में इन्होंने 1750 जो स्टॉक का था टेस्ट उसमें इन्होंने 3 ईयर लाया, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए।
एक टेस्ट है आपका 20 का, तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है, इस तरीके से टाइपिंग टेस्ट करना है कि आपका जो एरर है वो 0 to 5 के बीच में हर समय हो। तभी क्या है कि आपका भी वहां का भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एरर को कंट्रोल करना सब आपके हाथ में है। तो आप इस तरीके से टेस्ट दें कि जिससे कि आपका एरर कंट्रोल हो। ठीक। अरिजीत कुमार पूर्वा वर्धमान वेस्ट बंगाल, इन्होंने आज टेस्ट दिया है CHSL का, 1764 स्टॉक है, 2 एरर है और एक 1737 का है, इसमें इन्होंने 3 एरर का कवर किया है और इनका बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस और बढ़िया है। थोड़ा सा स्टॉक को पूरा कवर कीजिए। ठीक है अरिजीत, हो सकता है कि आपने कुछ बड़े बड़े स्टॉक वर्ड को टच नहीं किया जिससे आप 1750 स्टॉक के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए प्रयास कीजिए कि स्टॉक एकदम फुल टच हो। ठीक है। अब आइए अरविंद कुमार फ्रॉम कारेगांव। अरविंद, आप रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका रेलवे के हिसाब से है जिसमें कि रेलवे का जो टेस्ट होता है उसमें बैकस्पेस काम नहीं करता है, और आप उसमें टेस्ट दे रहे हैं और 1489 स्टॉक है, 1449 है, 1447 है, 1331 भी है, 1171 भी है, तो 12 एरर है, 15 एरर है, तो आपको क्या 5% का आपको रिलैक्स मिलेगा। तो आप और बढ़िया मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मारिए कि आपका एरर का ये जो परसेंटेज है ये भी थोड़ा और अच्छा हो और एरर का रेट भी डाउन हो। ठीक है। तो आपको ये प्रयास करना है कि आप 0 to 5 एरर के बीच में लाए, तो आपके बहुत बढ़िया होगा। ठीक है अरविंद। अब आइए अशोक कुमार फ्रॉम नवादा, इन्होंने 40 40 5 एरर, फिर उन्होंने एक 1750 का टेस्ट दिया है स्टॉक वाला, 35 35 4 एरर। आपका भी बहुत अच्छा है अशोक, और मेहनत कीजिए और बढ़िया से दीजिए। मुझे 0 एरर चाहिए, आपको भी 0 एरर का प्रयास करना है। बिट्टू कुमार फ्रॉम पटेल नगर, 1750 35 34 9, तो 9 एरर है तो थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे 0 to 5 चाहिए। तो आपको और प्रयास करना है और बढ़िया से कवर करना है कि आपका भी जो एरर है वो 0 to 5 में आए। ठीक है। चंदन कुमार फ्रॉम श्रीरामपुर, इन्होंने भी बहुत अच्छा टाइपिंग किया है, 5 एरर है, बढ़िया है, आपका सीजर का टेस्ट है मुझे मालूम है, तो आप कवर कर सकते हैं और बढ़िया से मारिए, आपका जरूर एग्जाम में सिलेक्शन होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। फिर 10 एरर है, एक बार 37 एरर है, एक बार 7 एरर है, फिर एक बार 9 एरर भी है। तो चंद्रन थोड़ा सा मेहनत करना है कि ये सब जो ज्यादा गलती वाला है ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको कंट्रोल करके इसे सही करना है। फिर आइए छोटू कुमार फ्रॉम नवादा, 2 एरर है, बहुत बढ़िया है छोटू, और अच्छे से मेहनत कीजिए और बढ़िया परफॉर्मेंस कीजिए। एक टेस्ट आप जो दे रहे हैं एक टेस्ट से काम ही चलेगा, टेस्ट का प्रैक्टिस और बढ़ाइए और अच्छे से दीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अब आइए, ये है हमारे चीकू राज, ये भी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और बहुत बढ़िया से ये टेस्ट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया भी है, और 8 एरर है, 9 एरर है, 5 एरर है, 4 एरर है, 5 एरर है, 2 एरर है। तो चीकू बस मेरा यही कहना है कि अच्छा मेहनत कीजिए और 0 to 5 एरर में आइए, टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना कंट्रोल करना है। अगर आपका ये है तो आप अगर किसी एक को टारगेट पकड़िए कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर रहा हूं, तो आप दीपक चौधरी है जस्ट आपके नीचे, आप उनको टारगेट में लीजिए कि इन्होंने आज 1 एरर किया, तो दीपक चौधरी को टारगेट लेके जब आप टाइपिंग शुरू कीजिएगा तो हो सकता है कि आपके माइंड में कंपटीशन की भावना जगे और आप और अच्छा टाइपिंग कर सके। ठीक है चीकू, और बढ़िया कीजिए। फिर दीपक चौधरी, ये फ्रॉम राजस्थान से हैं, करौली राजस्थान, इन्होंने 1 एरर किया है, एक और 7 एरर है, और एक बार फिर 1 एरर है, और एक और इनका 0 एरर है। तो मैंने पहले भी बोला था कि इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और ये 0 to 5 एरर भी रहते हैं, बहुत बढ़िया है। और इसी प्रकार से दीपक चौधरी आप करते रहिए, 100% गारंटी है कोई भी आपका टैपिंग रोकने वाला नहीं है। ठीक है। बहुत सुंदर है, इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहे। ठीक है। दिव्यांशु वेलन, ये हैं फ्रॉम केरला, ये भी आज जुड़े हैं, इनका 1885 स्टॉक कवर किया, 27 एरर है, फिर एक दूसरा टेस्ट हो सकता है वो पहला टेस्ट हो, थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ हो, फिर 3 एरर है, 8 एरर है। तो दिव्यांशु वेलन आपका भी बहुत अच्छा है, आप इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए, टाइपिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और प्रयास कीजिए कि सुबह शाम दोनों का टेस्ट आपको कवर हो, क्योंकि अब समय निर्धारित हो गया है, डेट क्लियर है, सभी लोग को मैं ये बोल रहा हूँ कि हर लोग 6 टेस्ट जो है वो जरूर कवर करें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से इस मौका को
सभी को मिला है, इसे व्यर्थ में जाना जाया मत होने दीजिए। ठीक है। गौतम कुमार फ्रॉम बेगूसराय। गौतम, एक में आपका वन लीडर है, ठीक है, दूसरा में फिर क्या है कि आपका कुछ गड़बड़ हो गया, तो इस प्रकार से गौतम नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए और अपने ईरर को कंट्रोल कीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हेमंत राज फ्रॉम नवादा। 1998 स्टॉक मारा है, 10 ईयर है। ठीक है, आप पास हैं और अच्छा भी है, और देखिए आपका वहाँ 10 ईयर था, फिर आपने यहाँ पे 5 ईयर किया, फिर 9 ईयर किया, तो बस टारगेट ये बनाइए कि मुझे 0 to 5 ईयर कवर करना। जिनका भी टैपिंग स्टॉक टाइम के बिफोर हो जाता है वो अपने ईयर को कंट्रोल करें। ठीक है। नेहा कुमारी, ये नवादा से, 16 ईयर है, 10 ईयर है, 6 ईयर है। तो नेहा और मेहनत कीजिए और अपने स्टॉक का जो गलती है इसे कंट्रोल करें। ठीक है, ईरर को कंट्रोल करके 0 to 5 मिलाए। नीलमणि, नीलमणि आपका देखिए, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर ये देखिए जो है ना कि आप पहले तो पुराना टेस्ट दे रहे हैं, जब भी टेस्ट दीजिए तो जो मैं करंट में जो लाइव टेस्ट होता है, जो डेली का अपडेटेड टेस्ट है, आप लोग उसे ट्राई करें, बैड टेस्ट मत दें। कैलकुलेशन लेटेस्ट टेस्ट पे होता है, लेटेस्ट टेस्ट को टारगेट बनाएं और उसके हिसाब से टाइपिंग करें और अपने टाइपिंग को और सुधारें, बहुत जरूरी है। पंकज कुमार फ्रॉम लवादा, 15 ईयर, 19 ईयर। पंकज, आपको भी बहुत मेहनत करना है। ठीक है, ये 15 ईयर, 28 ईयर, 22 ईयर नहीं चलेगा, 0 to 5 ईयर लाना होगा। पवन कुमार आलोक फ्रॉम इटावा, 4 ईयर है, बहुत अच्छा है पवन, और बहुत अच्छा आप मार भी रहे हैं, और प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कवर हो, एक टेस्ट से नहीं काम चलेगा, 2-3 टेस्ट को प्रयास कीजिए। ठीक है। परदेशी जी फ्रॉम भट्टा, इनका भी 4 ईयर है, 10 ईयर है, 27 ईयर है, फिर इन्होंने 1 ईयर भी किया है, 3 ईयर भी है। परदेशी जी आपका भी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप लोग सभी का रिजल्ट हो और बढ़िया से दीजिए और बढ़िया कवर कीजिए। ईरर किसी भी कीमत पे 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप कंट्रोल करें कि ये 27 ईयर जैसे आया है नहीं होना है, आपको ईरर को कंट्रोल करना है। ठीक है। आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं परदेशी जी, आपका मैं देख रहा हूँ आज के डेट में आप एनटीपीसी भी दे रहे हैं, सीजीएल का भी कर रहे हैं, सीएचएसएल का भी टेस्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 3 ईयर, 1 ईयर बहुत बढ़िया है, और ये एनटीपीसी वाला में 6 ईयर है, बहुत ही बढ़िया आपका टाइपिंग है। बस प्रयास कीजिए कि अगर 6 ईयर एक में हो रहा है तो दूसरा में 47 और 71 ना हो। ठीक है। ईरर को कंट्रोल कीजिए, ईरर बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। प्रशांत कुमार फ्रॉम नवादा, 2002 स्टॉक है, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, फिर 4 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर। प्रशांत, 14 ईयर, एनटीपीसी वाला में 14 ईयर है, 15 ईयर है। एनटीपीसी वाला में जब आपके पास टाइम है तो आप टाइम को मेंटेन करके इसके ईरर को कंट्रोल करें। ठीक है। एनटीपीसी में किसी भी कीमत पे 15 ईयर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15 ईयर से अगर ऊपर गया तो आपका टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसलिए प्रशांत कुमार और मेहनत कीजिए, आपका ये परफॉर्मेंस क्लियर है कि आपका टाइपिंग बहुत बेहतर है, 4 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर बहुत मायने रखता है। ठीक है। अब आइए राहुल कुमार फ्रॉम गोविंदपुर। राहुल, आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और ये 22 ईयर जो आ रहा है इसे कंट्रोल करें। ठीक है। 22 ईयर बहुत ज्यादा है, ये सब चलेगा, 11 ईयर, 14 ईयर है, 17 ईयर है, ये चलेगा, 21 ईयर तो भी चलेगा, पर कंट्रोल करके 0 to 5 में आइए, 0 to 5 का वैल्यू है। ये आइए राजीव कुमार फ्रॉम मुंगेर, ये टूडे बेस्ट है और इनका 0 ईयर इन्होंने किया है, 2000 स्टॉक है, यानी कि सीजीएल की वैलिड इनका स्टॉक इन्होंने कवर किया, 40 का स्पीड है और 0 ईयर, बहुत मायने रखता है राजीव, और आपका टाइपिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और प्रयास कीजिए, टारगेट बनाइए कि 0 to 5 ईयर में हमेशा रहिए। ठीक है राजीव, बहुत बढ़िया है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, फिर 1 ईयर है, बहुत बढ़िया है, ऐसे कंटिन्यू कीजिए। रंजय कुमार फ्रॉम गया। रंजय, आप जो है ना एनटीपीसी का टारगेट दिए हुए, ठीक है, तो आपका जो है ना स्टॉक पूरा नहीं हो रहा, देख लीजिए ये, तो आप क्या कीजिए रंजय कि आप कम से कम 1 घंटा द क्विक ब्राउन फॉक्स का जो सेंटेंस है उसको जरूर मेहनत करें और ऐसा प्रयास करें कि बैक स्पेस का यूज ना हो,
डकी वन फॉक्स का मारना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है रंजय? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपको स्टॉक पूरा करना होगा। स्टॉक पूरा करना है, गलती पे कंट्रोल करना है। एनडीपीसी में बैक स्पेस काम नहीं करता है। आपको ऐसा मारना है कि एरर का जो ये रेशियो है, ये एकदम कम से कम हो जाए, ठीक है? अब आइए रंजीत कुमार फ्रॉम नवादा, आप भी एनडीपीसी का कवर कर रहे हैं मैं जैसा देख रहा हूँ, इसलिए आपको भी और मेहनत करना होगा रंजीत, और बढ़िया से कवर कीजिए। और आप भी 1 घंटे में डकी वन फॉक्स को 40 मिनट कम से कम जरूर मारिए, तभी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। जिनका भी रेड में है वे द क्विक ब्राउन फॉक्स को मेहनत करें 1 घंटे में कम से कम 40 मिनट। 10 मिनट टाइप करेंगे, 5 मिनट रिलैक्स, 10 मिनट टाइप करेंगे, 5 मिनट रिलैक्स। इस प्रकार से आप ऐसा टारगेट बनाएं, देखिएगा 1 से 1.5 हफ्ते में आपका टाइपिंग परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप प्रयास करके देखिए, बाकी कोशिश मेरा भी रहेगा और आपका भी रहेगा। ये है अब रोशन कुमार फ्रॉम गया। रोशन बहुत अच्छा आप टाइपिंग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है रोशन, इसी प्रकार से कीजिए और कवर कीजिए, ठीक है रोशन? आपका जो मैं देख रहा हूँ, 2 ईरर, 2 ईरर, 4 ईरर, 2 ईरर, 3 ईरर, 2 ईरर, ठीक है? ये आप पता कि हिंदी का भी टेस्ट दे रहे हैं, हिंदी के टेस्ट में थोड़ा एक्यूरेसी को कंट्रोल करिए और अच्छा होगा। रोहित कुमार इस्लामपुर नालंदा बिहार। रोहित अभी क्या है कि मैं जो आपको देख रहा हूँ 1661 है, 1659 है, 1592 है, 1584 है। आप भी 1 घंटे में कम से कम तो 40 मिनट जरूर द क्विक ब्राउन फॉक्स पर मेहनत कीजिए, गारंटी है 100% रिजल्ट होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप मुश्किल से कुछ दूर हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप भी ग्रीन वाले सिंबल में चले जाएंगे, ठीक है रोहित? और मेहनत कीजिए, बढ़िया से कीजिए। रोहित कुमार फ्रॉम नवादा, एनडीपीसी का इन्होंने टेस्ट लिया है और ये एकदम बॉर्डर लाइन पे है। तो कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनका बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन होता है, मैंने देखा है, आज वो नौकरी कर रहे हैं। 0.6.99% पे भी सिलेक्शन बहुतों का हुआ है। मैं वैसे लड़के को जानता हूँ जो उस बॉर्डर पे सेलेक्ट होके आज भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे हैं। सचिन फ्रॉम राजस्थान। सचिन आपका भी बहुत बढ़िया, सचिन 6 ईयर है, 3 ईयर है, 2 ईयर है, फिर आपका 3 ईयर है, 2 ईयर है, 4 ईयर है, फिर 3, 4, 4। आप क्या कि बहुत दिन से टेस्ट बंद किए थे, अभी जो आप आए हुए हैं तो एकदम लय बना के टेस्ट दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखें कंटिन्यू ग्रीन, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही दीजिए, 100% गारंटी है, रिजल्ट होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। संदीप कुमार फ्रॉम नवादा। 4 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, संदीप आपका भी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही कंटिन्यू टाइपिंग करें, रिजल्ट होगा, टाइपिंग कोई रोकने नहीं जा रहा है, बस कंटिन्यू मोर प्रैक्टिस। परफेक्ट अगर बनना है तो प्रैक्टिस पूरा जम के करना होगा। संजय पाल फ्रॉम दिल्ली। संजय 40 40, 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर। संजय मैं आपको बात बोलना चाहूंगा कि आपका शुरू में बहुत ही बढ़िया था, आप 0 ईयर को टारगेट लेकर चलते थे, बहुत बढ़िया आपका चल रहा था। इधर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा ईयर का जो रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा अपने टाइपिंग पे ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए कि और थोड़ा सा अच्छा हो। सतीश कुमार फ्रॉम दिल्ली। सतीश आपका भी बहुत बढ़िया है, 1 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, फिर 8 ईयर, बस ठीक है, टारगेट बना के रखें, इसी प्रकार से मारते जाएं, कोई रोकने वाला नहीं है, 100% गारंटी है, क्वालिफाई कीजिएगा। सतीश बहुत बढ़िया, ऐसे ही और कंटिन्यू कीजिए, ये 6 ईयर और ये 8 ईयर को भी 5 के अंदर ले जाइए, ठीक है? सर्वेनी भट्टाचार्य, ये आज स्टार्ट किए हैं मैंने, आज ये जस्ट हमारा टेस्ट प्रैक्टिस किए थे और इनका फर्स्ट डे है, और आपका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। आप 1 घंटे में कम से कम 40 मिनट द क्विक ब्राउन फॉक्स पे मेहनत कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, एकदम गारंटी है। प्रयास कीजिए, कोशिश करना है, धीरे धीरे आपका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। सर्वनी भट्टाचार्य, ओके, 1 घंटा में 40 मिनट द क्विक ब्राउन फॉक्स पे मेहनत करना है, एनी हाउ आप 3 टेस्ट दीजिए, 2 ही टेस्ट दीजिए, पर 1 घंटा में 40 मिनट जरूर द क्विक ब्राउन फॉक्स कीजिए, ठीक है? परफॉर्मेंस आपका ऑटोमेटिक खुद से बढ़ेगा। सोनू कुमार गढ़पर, अभी और मेहनत की जरूरत है सोनू, द क्विक ब्राउन फॉक्स में मेहनत कीजिए, ठीक है?
फिर आइए, ये है सौरव कुमार सेन, ये है भागलपुर से। सौरव कुमार सेन आपका 1996 स्टॉक है और 60 हीलर, इसको मेहनत करके और कंट्रोल करना है। ठीक है, जब आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं तो ये हीलर का रेशियो को देखिए। ठीक है, और आपका ये प्रयास जरूर करना है सौरव कुमार सेन भागलपुर कि आप तो ये 1996 स्टॉक वाला जो कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो 1750 वाला जरूर मार के देखिएगा। देखिएगा कि आपका ये जो यहाँ ईरर का रेशियो ज्यादा है और स्टॉक उस जगह ज्यादा है, तो क्या 1750 स्टॉक में आपका अच्छा से कवर करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए कल से जो टेस्ट दीजिएगा उसमें जिस टेस्ट में सीएचएसएल लिखा हुआ है, जितने भी लोग रेड वाले में हैं वो सभी लोग सीएचएसएल जिस टेस्ट के पैसे में लिखा हुआ मिले उसे जरूर मारिएगा। ठीक है, क्योंकि पहला टारगेट आपका रहेगा 1750 स्टॉक। जब आप 1750 स्टॉक एक्यूरेसी बढ़िया करके कवर करेंगे तब आपका टारगेट सीएजीएल के हिसाब से 2000 स्टॉक का जो वैल्यू है उसमें चलेगा। ठीक है, इसलिए और मेहनत कीजिए सौरभ कुमार सेन। अब ये श्री प्रणव पॉल बक्सरा सांतरागाछी 1750 स्टॉक, 35-35-4 हीलर, बढ़िया है। आप ठीक है, आप कम का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक्यूरेसी बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया है श्री प्रणव पॉल, और अच्छे से कीजिए, 100% गारंटी रिजल्ट होगा। अब देखिए, ये है सुनील बीटेक फ्रॉम प्रयागराज। आप कोई पुराना टेस्ट उठा के मार दिए हैं। मैं सबको बता रहा हूं कि हर लोग लेटेस्ट टेस्ट को कवर करें, लेटेस्ट टेस्ट पे रिजल्ट बनेगा तो ज्यादा आसान है और एक दूसरे से कंपेरिजन करने में अच्छा होगा। आपका मे बी आज फर्स्ट डे था, कोई बात नहीं, इसी प्रकार से मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। देखिए, एक में रेड है, इस रेड को कभी भी आने मत दीजिए। ठीक है सुनील, इस रेड को कभी भी आने मत दीजिए, मेहनत और कीजिए, रिजल्ट है अच्छा होगा। अब ये सुरेंद्र कुमार फ्रॉम आगरा। सुरेंद्र, बॉर्डर लाइन पे आप हो, मुश्किल से 50 से 60 स्टॉक आपको मेहनत करना है, रिजल्ट आपका हो जाएगा। इसलिए सुरेंद्र, 1 घंटे में कम से कम 10 से 20 मिनट दक्षिणा फॉक्स मारना है और 1750 स्टॉक वाला जो टेस्ट है उसको आप जरूर कवर कीजिए जिसमें सीएचएसएल लिखा हुआ मिले। ठीक है, ये एकदम मस्ट है। ठीक है सुरेंद्र, अब आइए सुशील कुमार फ्रॉम अलवर। सुशील, आपका भी टाइपिंग बहुत अच्छा है और ये आपका दिख भी रहा है, आप 4 हीलर हैं, 10 हीलर भी हैं, 21 हीलर भी हैं, 8 हीलर भी हैं, 13 हीलर भी हैं, तो आप में वो क्षमता है कि आपका टाइपिंग 100% निकलेगा। ईरर के रेशियो को थोड़ा सा और कंट्रोल कीजिए और बढ़िया कीजिए, ये 21 नहीं, 0 to 5 या टारगेट बनाइए पहले 10 से 15, 10 से 15 कवर हो तो फिर आइए 0 to 10 वाले में, फिर 0 to 5। ठीक है, क्योंकि आप में वो क्षमता देख लीजिए, आप यहाँ 4 हीलर, ठीक है, तो 4 हीलर है, इसे कंट्रोल करके कीजिए, रिजल्ट होगा, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, तनिषा भारती फ्रॉम नवादा। तनिषा, अभी आपका स्पीड कम है और मेहनत कीजिए, डकी ब्राउन फॉक्स को जरूर कवर कीजिए, तभी आपका रिजल्ट 100% होगा। अब आइए टिंकू रजा फ्रॉम झारखंड, 1932-25 हीलर, 1905-28 हीलर, मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा, क्योंकि आपका ऊपर गड़बड़ है तो नीचे देखिए सही है, 7 हीलर, 9 हीलर, 10 हीलर, बस टारगेट बना के चलना है। एसएससी के हिसाब से कोई आपको रोकने वाला नहीं है, यू आर पास इन एसएससी सीएचएसएल स्किल टेस्ट टीयर 3, कोई नहीं रोकेगा टिंकू। ठीक है, मेहनत करते रहिए, 100% गारंटी रिजल्ट होगा। ठीक है, उपेंद्र कुमार फ्रॉम नवादा, आप बहुत बढ़िया मार रहे हैं उपेंद्र, पर देख लीजिए 1978 स्टॉक कवर कर रहे हैं, 35 हीलर है। तो मेरा कहना है कि जहां पे मालिक के सीजीएल वाले में स्टॉक ज्यादा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सीएचएसएल वाले में तो ज्यादा नहीं है, उस जगह को कंट्रोल करके ईरर को कंट्रोल कीजिए। आपको टारगेट करना है अपने ईरर पे, स्टॉक आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे से ध्यान दीजिए और स्टॉक को कवर कीजिए। ये विवेक कुमार फ्रॉम चाकंद गया। विवेक, 100 स्टॉक आप पीछे हैं, लास्ट का 1 से 2 मिनट कस के मेहनत कीजिए। पहला काम स्टॉक कवर करना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर कीजिए, आप स्टॉक कवर नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कि स्टॉक कवर कीजिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग सभी लोग 3 तारीख को टारगेट अपना ले लें, पहला कि 3 तारीख को आपका स्किल टेस्ट होगा। कोरोना काल का टाइम है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो अभी डेट दिया गया है स्किल टेस्ट का,
इसके हिसाब से अपना टारगेट बनाना है। सभी को जो है ना इंग्लिश में 35 का स्पीड चाहिए, कोई बात नहीं कि हमें 50 मारना है। टारगेट लीजिए, जिनका रेड सिंबल में चलता है टेस्ट वो टारगेट लीजिए अपने 35 का, ठीक है। जिनका भी रेड सिग्नल चल रहा है हमारे टेस्ट के परफॉर्मेंस में, वो कवर करें रेड वाले को, 35 का टारगेट लें, रिजल्ट आपका होगा। और किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो वह निसंकोच हमसे संपर्क कर सकता है, मैं सभी का हेल्प जरूर करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपका स्किल टेस्ट जरूर निकले, ठीक है। और कोई समस्या हो तो निसंकोच संपर्क करें। और एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट जो चार्ज है, हो सकता है उन्हें कुछ ज्यादा लगता हो, तो मैंने एक प्रोविजन कर रखा है कि आपके टाइपिंग टेस्ट का चार्ज खुद आप घटा सकते हैं। ऐसे तो मैंने बहुत ही कम कर दिया है, आप में वो क्षमता है। अगर आप 35-35 0 ईयर लाते हैं तो मेरे तरफ से 1 वीक का फ्री रिवार्ड है, तो आपको बहुत ही कम हो जाएगा। और टारगेट बनाइए, टारगेट ही सब कुछ आपको करा सकता है, ठीक है ना। तो बस यही है, और किसी तरह कोई समस्या हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7004165983 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपका रिजल्ट हो और आपका काम बन जाए। जो ये इतना मेहनत करके आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इस मुकाम से खाली हाथ नहीं लौटना है। हमारा प्रयास रहेगा और आपका भी प्रयास रहेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करने में कोई भी कमी नहीं कीजिएगा। आपको जहां तक जितनी आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो, आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। किसी भी कीमत पे जिनका अच्छा नंबर आया है वो 2019 के मौका को चूकिएगा नहीं, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत।